लगभग हर चीज अपने स्वरूप को बदलते हुए आज के जमाने में, लेकिन बिहार का ये पर्व और हिंदुस्तान में खासी तेजी से बढ़ने वाला ये पर्व, जिसको कि महापर्व के रूप में सब लोग जानते हैं, छठ माँ का ये महापर्व आज भी अपने उसी पुराने रंग रूप और अंदाज में अपनी संस्कृति को अपने साथ समेटे हुए ये बयां कर रही है कि छठ क्यों महत्वपूर्ण है बिहार वासियों के लिए और ये क्यों सारे त्योहारों से इतर होकर अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जी हाँ, ये आज शाम के समय का दृश्य आप देख रहे हैं। सिवान जिले के असाव घाट पे ये छठ माँ का घाट है, जहाँ पे आप देख रहे हैं महिलाएं ऑलरेडी आ चुकी हैं, बच्चियाँ, बड़े बड़े बुजुर्ग जो है ये ढोल नगाड़ों के साथ लोग आ रहे हैं और तरह तरीके की सारी चीजों की व्यवस्था जो है समितियों के द्वारा भी किया गया है। तो अभी तो शुरुआती दौर है, ये पहला ऐसा पर्व है दुनिया में, एकलौता ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है और ये एक संदेश दिया जाता है कि जिसका जिसका अस्त होना है उसका उदय भी सुनिश्चित है। तो अपने आप में इस परंपरा को बढ़ाते हुए और लोग जो हैं अपनी इस परंपरा से, अपनी इस मिट्टी की खुशबू से आज भी उसी अंदाज में जोड़ते हुए जो पूर्वजों ने जो विरासत सौंपी थी छठ माँ की परंपरा को, परंपरा की हिफाजत करने की, आज भी युवा कितने भी बदल जाएं, अपने अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर लें, जीवन में शैली को बदल लें, अलग अलग चीजों में बदलाव कर लें, लेकिन छठ माँ की पूजा की विधि आज भी वही है, आज भी पुरानी परंपरा अपने आप में हमारे लिए मिसाल कायम करती हुई। आप देख पा रहे हैं असाव का ये छठ घाट, जहाँ पे हजारों की तादाद में अभी भीड़ मौजूद है और लोग धीरे धीरे आ रहे हैं अभी घाट पे। दोस्त साथियों, देखिए अभी सुबह का लगभग 4:30 बज रहे हैं, लाइट की पूरी व्यवस्था की है कमेटी ने और ये छठ घाट जैसा कि हमने संध्या आरत को देखा, वादे के मुताबिक मैं सुबह पुनः उपस्थित हूँ आंध्र प्रखंड के ही सबसे बड़े घाट पे, जो कि असाव का छठ घाट है और बहुत अधिक संख्या में, अनुमानतः एक अंदाजतन कहा जाए तो लगभग 60,000 से 70,000 की संख्या में लोग उपस्थित हैं। काफ़ी दूर तक इस घाट का फैलाव है और जो सुबह का जो जितने भी व्रतधारी हैं वो 3 दिनों से लगातार नहाए खाए से लेकर के आज तक लगातार जो है वो व्यस्त है अपने पूजा को लेकर के। और देखिए ये औरतों के चेहरे से आपको साफ झलकता होगा कि 3 दिनों से उन्होंने अन्न तो नहीं खाया, उसके बावजूद उनके चेहरे पे ये चमक, ये दिखाता है कि छठ माँ की पूजा में, छठ माँ के व्रत करने में कितनी शक्ति मिलती है। जैसा कि हमने संध्या के समय कहा था कि लगभग सारी परंपराएं चेंज होती गई, विधि पूजा करने का जो अंदाज है बदलते गया, यहाँ तक कि हमने दुर्गा पंडालों को भी अलग रूपों में डिजिटल जमाने में ढलते देखा, किंतु छठ पूजा अपनी सादगी को लेकर जाना जाता है और अभी तक उसी सादगी के हिसाब से वही सामग्री, वही विधि, उतनी ही संजीदगी और उतनी ही सादगी के हिसाब से छठ पूजा हर वर्ष मनाया जाता है और इस साल भी वही है, उससे इतर नहीं है। और देखिए प्रशासन भी काफ़ी मुस्तैद है, यहाँ पे हमने देखा कमेटियों के साथ साथ प्रशासन, आप देख पा रहे हैं प्रशासन के अधिकारी भी हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कमेटियाँ हैं कुछ जो कि चाय वगैरह का व्यवस्था कर रही है, आप देखिए चाय की व्यवस्थाएं भी कमेटी के